और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का ट्वीट। सरकारी विज्ञापन में वैक्सीन बर्बादी 0% से कम होने के बाद पर बोले आर्यभट्ट के शून्य के आविष्कार के बाद शून्य के आविष्कार की गजब जादूगरी है। प्रदेश में वैक्सीन की बर्बादी 0% से भी कम, ये राजस्थान की सरकार के नुमाइंदों की ताजा तरीन खोज है। पुनिया ने यह बात कही। मुख्यमंत्री जी, वैक्सीन की बर्बादी में तो राजस्थान ने अव्वल दर्जा प्राप्त किया है। असल तो ये है कि 2.5 साल में राज्य सरकार के कामकाज की दर 0% से भी कम है। पुनिया ने यह बात कही। तो सतीश पुनिया ने तंज कसा है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का ट्वीट। सरकारी विज्ञापन में वैक्सीन बर्बादी 0% से भी कम होने की बात कही गई। इसके बाद उन्होंने आर्यभट्ट का हवाला देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने एक नई खोज कर दी है कि 0% से भी कम कुछ है। और बाद में तंज कसते हुए कहा कि 2.5 साल के कार्यकाल में अगर विकास की रफ्तार को देखा जाए तो वो वाकई में 0% से कम है। शशि मोहन शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शशि, वाकई में सतीश पुनिया ने एक तरह से पलटवार किया है। देखिए, सरकार ने विज्ञापन जारी किया और पूरे प्रदेश में वैक्सीन की स्थिति साफ की और उसमें एक बिंदु ये लिखा कि प्रदेश में 0% से भी कम वैक्सीन बर्बाद हुई है, यानी वैक्सीन का जो वेस्टेज का प्रतिशत है वो 0% से भी कम कर रहा है। सवाल सतीश पुनिया ने भी उठाए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट भी किया और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने भी सवाल उठाए। दरअसल सवाल दोनों की तरफ से यही उठाया गया कि आखिर ये 0% से कम किस तरीके से सरकार ने आकलन किया है, इसका क्या कैलकुलेशन किया है। लेकिन जो चिकित्सा विभाग के कुछ अधिकारियों से हमारी इस पर बात हुई तो उनका कहना था कि हर वैक्सीन में केंद्र की सरकार जब भी कोई वैक्सीन या ऐसी चीज इश्यू करती है तो उसमें खराब होने वाले वेस्टेज का आंकड़ा एक निर्धारित करती है कि इससे ज्यादा खराबी नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिए अगर 10 वायल, एक वायल में 10 डोज हैं और उसमें से एक वायल, एक डोज को आप खराब होने की अलाउ करते हैं, यानी 10% तक अलाउड है, तो 10% से भी कम सरकार ने खराब किया है या चिकित्सा विभाग से खराब हुआ है और उसके भी अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन इस विज्ञापन में तकनीकी खामी दिखी और इस तकनीकी खामी को लेकर के ही सतीश पुनिया ने, ये तंज था, बिल्कुल सही आपने कहा शशि, बिल्कुल धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। और साफ तौर पर यह है कि अब विपक्ष यानी बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले पर टेक्निकल फैक्ट को लेकर भी तंज कसा जा रहा है।